अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, खैरियत से हैं? बस जनाब, ठीक ठाक। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आप? बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमारे साथ कैसा सफर रहा आपका? बिल्कुल अच्छा रहा। तो दिल में क्या ख्याल आता था, अगर फैमिली होती तो फिर अच्छा था या इस तरह यारों दोस्तों के साथ अच्छा रहे? दिल में तो हर एक ख्याल आता है, फैमिली हो फिर भी अच्छा है, यार दोस्तों फिर भी अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा आप किसके साथ समझते हैं? यार दोस्तों के साथ। अच्छा, ये हमारे साथ है मास्टर इकबाल सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी। आप कब से आप चल रहे हैं यहाँ, कैसे पहुँचे, कितना सफर? कल से जनाब कोई लगभग हमारा सफर शुरू हुआ है, कल 4 बजे से। अच्छा, शाम को शायद असलम भाई के यहाँ थे। जी जी। माशाल्लाह। तो कहाँ तक जाने का इरादा है? जाने का इरादा है उलट बगी, गनाई गोट, डन्ना। वहाँ कोई अपने हैं या इसी तरह क्या? सब जितने भी डेरे हैं उलट बगी में वो सब हमारे अपने। अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना रिश्तेदारों का हक है कि उनसे मिला जाए, मुलाकातें की जाएं, तो उसी नाते से आप ही चल रहे हैं? जी जी जी। चले माशाल्लाह। तो ये मस्जिद किस जगह पे है? ये है जी बारदार। अच्छा, ये किन लोगों ने बनाई, क्या? ये वो जो वहाँ के डेरे हैं बारदार में जो आते हैं हर साल। तो क्या समझते हैं आप, गांव की मस्जिदें, बिछड़े हुए गांव जो हैं उनकी मस्जिदों के मुकाबले में ये मस्जिद आला है या वो ज्यादा सही? मेरी समझ में ये है कि ये मस्जिद आला है। अच्छा माशाल्लाह। फार फ्लंग एरिया में यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं मुबारकबाद इनको लोगों को देता हूँ कि जिन्होंने इस फार फ्लंग एरिया में इस जंगलात में ये मस्जिद की। आप चाहते होंगे रोजाना संडे हो, हम रोजाना छुट्टियाँ मनाएं और चक्कर लगाएं? वो तो है दिल में, लेकिन क्या करेंगे, आगे छुट्टी तो है नहीं। असलम भाई, आपके यहाँ सुना है कि यहाँ इज्तिमा होता है हर साल, तो इस साल भी होने जा रहा है? इस साल भी होने जा रहा है। ऐसा कुछ तारीख मुतय्यन हुई या अभी नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है। चलो माशाल्लाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी है कि मैं और मेरे साथ असलम भाई और मास्टर इकबाल साहब, हम आज उलट बगी की सैर पर निकले हैं। तो इस वक्त मैं आपको पहाड़ों की सैर कराता चलूँ। ये जो सामने है लास्ट, ये है हमारा गला दहार, इसके उस साइड आएगा चक्का, ये आ गई बेई, और ये आ गई हमारी तलाई दहार जहाँ पे हमारे सीजनल सेंटर हैं, और इससे आगे ये आ गया सरवा दहार। तो इससे पीछे के इलाके नामालूम हैं। तो फिर ये इस साइड सामने जो है ये आ गया हमारा डन्ना, इस साइड जहाँ पे यासिन मास्टर साहब की ड्यूटी, और फिर इससे ऊपर पहुँच के ये एरिया, और यहाँ से आगे चल के आएगा मंदिर चौंडदार, और ये जहाँ पे आपको मस्जिद दिख रही है ये है बारदहार जहाँ पे मस्जिद बनाई है इन लोगों ने बड़ी मेहनत से। तो इससे आगे ये जो सामने दिख रहा है ये आ गया अल्लूकंडा, और इसके उस साइड आ गया डोडा।